राइस मिल, ईंट भट्ठों और क्रशर के प्रदूषण और अतिक्रमण ने संकट में डाल दिया है स्वर्ण रेखा नदी के अस्तित्व को। उद्गम स्थल रानीचुआ से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही नदी के अस्तित्व पर लगने लगते हैं सवालिया निशान। रांची जिले के नगड़ी क्षेत्र स्थित रानीचुआ नामक स्थान से सोना उगलने वाली स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम होता है। रानीचुआ रांची से 16 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम की दिशा में स्थित है। झारखंड की पहचान में शुमार होने वाली यह नदी आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। एक समय था जब उद्गम स्थल रानीचुआ और नगड़ी का इलाका अतिक्रमण और प्रदूषण से पूरी तरह मुक्त था। ऐसे में नदी की धारा भी अविरल थी। समय के साथ बदलाव हुआ और इलाके में तथाकथित विकास की धारा बहने लगी। इलाके में एक के बाद एक राइस मिल, ईंट भट्ठों और क्रशर मशीन समेत अन्य फैक्ट्रियों की स्थापना होने लगी। अनदेखी का आलम ऐसा हुआ कि आज नगरी इलाके में कई राइस मिल पर्यावरण मानकों का उल्लंघन करते हुए धड़ल्ले से चल रहे हैं। बड़े बड़े राइस मिल खुल जाने से स्वर्ण रेखा नदी, स्थानीय लोग और कृषि योग्य भूमि पर सबसे ज्यादा नुकसान देखा जा रहा है। जैसे मिल उल है यहाँ पे, वो मिल से सारा कचरा उचड़ा उड़ते रहता छोटा छोटा कण, जो कि गाड़ी उड़ी चलाने से भी आँख मुख में घुस जाता है। बहुत दिक्कत होता आदमी लोग को। यहाँ पे आप पक्का उक्का देखिएगा मंदिर के पास में, वहाँ पे देखिएगा हाथ से ये करके तो पूरा वहाँ से राख टाइप का निकलेगा पूरा। यहाँ तो पानी उनी पड़ता रहता है, ये थोड़ा साफ दिख रहा है, बाकी पूरा मिल से मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। राइस मिलों, ईंट भट्ठा और क्रशर से निकलने वाले काले डस्ट, भूसी और केमिकल के कारण नदी का जल प्रदूषित हो रहा है। देखने से मानो लगता है कि नदी का पानी नहीं बल्कि नाले का पानी। नदी के पानी में गंदगी और गाद के कारण अविरल धारा सुस्त पड़ गई है, पानी की गति धीमी पड़ गई। बंगाल की खाड़ी तक जाने वाली नदी स्वर्ण रेखा की स्थिति आज ऐसी हो गई है कि अपने उद्गम स्थल रानीचुआ से महज कुछ किलोमीटर दूर स्थित धुरवा डैम तक जाना स्वर्ण रेखा के लिए मुश्किलों भरा काम हो गया है। नदी की राह में नगड़ी के राइस मिल, क्रशर और ईंट भट्ठा रोड़ा बनकर खड़े हो गए हैं। बहुत दिक्कत है कि पानी पूरा जहरीला टाइप का हो जा रहा है, और ये जो है सो स्वर्ण रेखा उद्गम स्थल होने के बावजूद ये जो है सो पानी जो है सो पूरा गंदा है। अब पूरा राइस मिल का पानी जो है सो पूरा डैम में जाता है, उसी को भाई लोग यूज कर रहा है, उससे बीमारी फैल रहा है। आपका 4-5 राइस मिल है आपका? हाँ, उसमें बाबा है आपका, सारभी है और 2-3 और है। तो कैसे गंदा होता है? मैंने उन लोग से मतलब उन लोग क्या होता है कि रिफ्रेश करके जो पानी रहता है ना, उसको रिफ्रेश करके नहीं भेजता है, बाहर आउटपुट नहीं देता है, और उसको जो है सो मतलब ऐसे ही छोड़ देता है। एक समय था जब स्वर्ण रेखा नदी में गति थी, जिसका लाभ धुरवा डैम को मिलता था। डैम से पूरे इलाके के लोग लाभान्वित होते थे। अतिक्रमण और गंदगी के कारण स्वर्ण रेखा की गति सुस्त हो गई और धुरवा डैम तक पानी जाना मुश्किलों भरा सफर हो गया है। इतिहास के पन्नों पर नजर डाले तो नदियों के किनारे कई सभ्यता का जन्म हुआ है, और नदियों के विलुप्त होने के बाद सभ्यता भी धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। कहीं न कहीं यही स्थिति स्वर्ण रेखा भी अपने आप में बयां कर रही है। उद्गम स्थल नगड़ी में राइस मिलों के कारण भारी प्रदूषण की मार झेल रहे नदी और स्थानीय लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। लोगों को नदी से स्वच्छ जल तो नहीं मिल रहा है, उनके खेतों में भी राइस मिलों ने गंदगी का अंबार फैला दिया है। स्थानीय लोग नदी को बचाने और खेतों में दोबारा हरियाली लाने के लिए तो जागरूक दिख रहे हैं, अब सरकार को इस ओर नजरें इनायत करने की जरूरत है। लाइव झारखंड ब्रेकिंग के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट।